ये है उज़्बेक की चिकन पुलाव का इंडियन वर्जन। उज़्बेक की पुलाव में ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालते, लेकिन हम लोग इंडियंस हैं तो मसालों के बिना काम नहीं चलेगा। तो मैंने डाल दिया है दालचीनी, बड़ी इलायची, एक स्टार एनीस और छोटी इलायची। प्याज डाल दिया है, 2 से 3 प्याज है इसमें छोटे टुकड़ों में काट के। और ये चिकन हल्का सा मैरिनेट करके रखा था, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। हल्दी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, मिर्ची है और नमक है। इन सबको मिला के 30 मिनट के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे कुटी हुई फ्रेश अदरक लहसुन और मिर्ची है, इससे बहुत करारा टेस्ट आता है। अब थोड़ा सा धनिया डाल देना है, जीरा डाल देना है, गरम मसाला, और अगर हल्का सा चिकन मसाला है तो डाल सकते हैं। और ये ब्लैक पेपर तो ज़रूर ऐड करना है। फिर नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि चावल भी डालना है तो अच्छा खासा नमक डालेंगे, क्योंकि फिर चावल में कम हो जाएगा। अब चिकन को अच्छे से फ्राई करना है, यहाँ पर चिकन कलर चेंज हो जाएगा और मसाला भी आपका पक जाएगा, बहुत ही अच्छी स्मेल आने लगेगी। अब यहाँ पर चावल को सोक करके जो रखा है वो डाल देना है। एटलीस्ट चावल को 20 से 25 मिनट सोक करके रख लीजिए। बासमती राइस है, 2 कप बासमती राइस में आपको 4 कप पानी डलेगा। अगर आपने चिकन में पहले से ग्रेवी के लिए नहीं डाला है पानी, अगर ग्रेवी के लिए डाला है तो 3.5 कप पानी ही डालें। अब यहाँ पे पानी डालने के बाद ढक देना है, और पानी इस तरह से लगभग जब सूख जाएगा लेकिन फिर भी पानी आपको दिखेगा तब हमें ढक्कन हटाना है। और ये जो नींबू है इसके इस तरह से स्लाइसेस काट के डाल देने हैं। ऊपर से धनिया डालना है और हल्की सी लाल मिर्ची, ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, या फिर यहाँ पे आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसको फिर से दम लगने के लिए छोड़ देंगे हम लोग एकदम धीमी आँच पे, और तब हमारा पक के तैयार हो जाएगा। लास्ट में हमें डालना है इसमें घी, और अच्छे से बन के तैयार हो गया। ट्राई कीजिएगा, बहुत कम समय लगता है बनने में और बिल्कुल बिरयानी वाला टेस्ट आता है। ये चिकन पुलाव है और चिकन में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।